Hello everyone, I hope you all are doing good and you're watching Triple N Sports Center and I hope aap log sab log theek honge, swasth honge, khush honge aur hum aapke liye hamesha try karte hain kuch interesting story lane ki, kuch amazing content dhoondne ki par aap log thodi si mehnat kariye aur please do comment ki aapki favorite IPL team kaun si hai aur aapke favorite IPL player kaun se hai because tabhi hum aapke liye aur bhi interesting stories la payenge. तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज हम बात करेंगे कि कैसे विराट कोहली 12 लाख से पहुंचे 17 करोड़ पर, यानी कि कैसे उन्होंने इतना पैसा कमाया आईपीएल में कि वो जा पहुंचे 12 लाख से सीधे 17 करोड़ पर. एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कोई मैजिक है या कोई बहुत ही अलग फंडा है बिकॉज वी ऑल कम अक्रॉस वेरियस एड्स, एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं टीवी पर और मूवीज में भी कई बार जिक्र हुआ है और बहुत सारे मैसेजेस आपको आते होंगे कि आप इतना इन्वेस्ट करिए और पैसा डबल हो जाएगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, इतने सालों में डबल हो जाएगा. और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. और मैं आपको बता दूं कि जितने मैसेजेस आते हैं, जितने एड्स होते हैं और ये जितनी बार भी इन चीजों का जिक्र किया जाता है, ये सब फ्रॉड है. तो इसमें बिलीव मत करिए कि ऐसा कुछ होता है पैसा डबल होने का या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा पैसा, बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्डवर्क. विराट कोहली 12 लाख से 17 करोड़ तक पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क और श्योर डेडिकेशन से. और इसका कोई फंडा नहीं होता पैसा डबल होने का, क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब तक आप मन लगाकर काम नहीं करेंगे, तब तक आपका पैसा डबल नहीं होगा, पैसे बढ़ेंगे नहीं. तो हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं और आप सोच रहे होंगे इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, ये भी हार्डवर्क की वजह से. पर इसकी स्टोरी मैं बताती हूं. 2008 में यानी कि आईपीएल के इनॉग्रल सीजन में विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने खरीदा 12 लाख रुपए में. ओके, सो 2008 में आरसीबी ने खरीदा 12 लाख रुपए में विराट कोहली को. उस समय आरसीबी के कप्तान थे राहुल द्रविड़. विराट कोहली लिए गए उस टाइम अंडर 23 टीम से और विराट कोहली के ऊपर सब टीम्स की नजर थी, पर आरसीबी ने वो रेस जीती और उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. However, स्टार्टिंग जो टाइम था, जो स्टार्टिंग सीजन्स थे आईपीएल के, उसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा विराट कोहली का. पर 2011 में विराट कोहली की तरफ से शानदार प्रदर्शन हुआ और उसके बाद there was nothing to look back for विराट कोहली. Also मैं आपको बताऊं, 2011 बहुत ही important period है because 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद से आईपीएल में भी जितने भी प्लेयर्स थे वर्ल्ड कप के, उनका भी सीजन चेंज हुआ उस तरफ से, आईपीएल भी चेंज हुआ और विराट कोहली के लिए भी 2011 was very very wonderful year because there was nothing to look back for Virat Kohli from 2011 and Virat Kohli is phenomenal since then. So हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में. तो 2008 में 12 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया और 2020 में उन्हें रिटेन किया है आरसीबी ने 17 करोड़ में एंड ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन इन आईपीएल. तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में हम जब बात कर रहे हैं विराट कोहली की, विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन रहा है. 5400 से भी ज्यादा उन्होंने रन बनाए हैं, यानी कि 5400 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं उन्होंने. इतने अच्छा प्रदर्शन किया है, सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज, फिनोमिनल फिनोमिनल, वो आप सबको पता है. पर मैं आपको एक चीज बताऊं, हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि आरसीबी अभी तक जीती क्यों नहीं है कोई भी आईपीएल. अगर विराट कोहली इतने अच्छे प्लेयर है, विराट कोहली 12 लाख से 17 करोड़ पर आ गए हैं अपने हार्डवर्क की वजह से और उन्हें इतना अमाउंट मिल रहा है, पर तब भी हम दे क्यों नहीं पा रहे हैं एज अ टीम, एक अच्छा आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहे हैं. इसका आंसर जो दिया है वो दिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हेडन ने, मैथ्यू हेडन ने दिया है. और मैथ्यू हेडन ने कहा है कि ये रीजन इस वजह से है क्योंकि होता क्या है आरसीबी में, या तो विराट कोहली पर डिपेंड रहती है पूरी टीम या फिर एबी डिविलियर्स पर. बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट की तरह कभी आरसीबी को हमने खेलते हुए नहीं देखा है और यही रीजन है कि हर सीजन में विराट कोहली तो शानदार प्रदर्शन करते हैं और उसकी वजह से उनका रेट, जो सैलरी है, वो भी बढ़ रही है, पर एज अ टीम आरसीबी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और तभी हमें आरसीबी एज अ विनर नहीं मिलती है. पर लेट्स होप 2020 में बहुत सारी चीजें चेंज हुई
होनी है. वी हैव गॉट ड्रीम 11 आईपीएल 2020 ऑफिशियल पार्टनर अन अकेडमी है और बहुत सारी चीजें हैं. बायो बबल है, सुरेश रैना हमें नजर नहीं आएंगे इस साल के आईपीएल में. तो अलग अलग चीजें हैं, पर मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा रीजन है कि आईपीएल में अगर हम आरसीबी को एज अ टीम देखे तो वो कहीं ना कहीं फेल होती है. बट आज इस बात को मैं बता दूं कि ये आईपीएल सीजन थोड़ा अलग होगा आरसीबी के लिए भी और बाकी सारी टीम्स के लिए भी. सो लेट्स सी आरसीबी विंस और नॉट. बट यस, विराट कोहली विल बी फिनोमिनल. और ये थीम स्टोरी कि कैसे 12 लाख से 17 करोड़ तक पहुंचे हैं विराट कोहली जस्ट बिकॉज ऑफ शियर हार्डवर्क. यू ऑल्सो डू हार्डवर्क एंड एंजॉय सक्सेस. बट टिल देन स्टे ट्यून्ड विद ट्रिपल एन स्पोर्ट्स सेंटर एंड स्टे फिट.